माननीय श्री भूपेश बघेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की, भगवान कर्णेश्वर महादेव की, श्रृंगी ऋषि की, सप्तर्षियों की, मां चित्रोपदा गंगा की, नगरी सिहावा की, नगरी सिहावा के नर नारियों की और आज के आनंद की। मंच में उपस्थित आदरणीय बड़े भैया ताम्रदास साहू जी, आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय लक्ष्मी ध्रुव जी, मोहन ललवानी जी, नरेश ठाकुर जी, गुरमुख सिंह होरा जी, कांति सोनवानी जी, विजय देवांगन जी, निशु चंद्राकर जी, मीना बंजारी जी, अंबिका मरकाम जी, मनोज साक्षी जी, वीरेश ठाकुर जी, राजेश कोराम जी, कैलाश प्रजापति जी, देव राम साहू जी, अखिलेश दुबे जी, शरद लोहाना जी, लखन ध्रुव जी, मंच सब अतिथि मन, साथ ही विभाग के सब अधिकारी मन और हमार पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सब अधिकारी मन और साथ ही जतेक भी कलाकार मन आए हैं। आज अनूप जलोटा भी आए, ओकरो स्वागत करा था, नव कलाकार आए ओकरो स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सब नमन करते हुए, क्योंकि अब शाम भी होते अनूप जलोटा आप भजन भी सुनना भी चाहता और अभी बहुत सुंदर महंत राम सुंदर दास जी के और ताम्रा ध्वज भैया के बहुत ही ज्ञानवर्धक बात आप सुने हो, तो बहुत ज्यादा कहे के नहीं है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र है यहाँ से लेके राजिम तक, सियावा से लेके राजिम तक एक कमल क्षेत्र के रूप में जाने जाते और यहाँ ये कर्णेश्वर महादेव और वहाँ राजिम में दोनों में माघी पुन्नी के मेला भरा थे, एके संग्रह यहाँ शुरुआत होते और जहा भी हमार छत्तीसगढ़ में भगवान राम जिन रास्ता से गुजरे है वो रास्ता ला विकसित करे के काम, साथ ही जहां जहां रुके है पूरा पर्यटन के रूप में विकसित करे के काम ला छत्तीसगढ़ सरकार हाथ मिले है। एक महती जिम्मेदारी आदरणीय भैया ताम्रध्वज साहू जी ला, भाई अटल जी ला और चित्रलेखा साहू और पूरा टीम मंच में बैठे सब ला दे गए है। और जैसे कि भगवान राम जब वन गमन करी तो हुल परेशानी हो है तो हम अलग परेशानी होना छे, हमार बार कोरोना काल आ गिरी से बहुत अकन काम तो बहुत अकन पहली हो जा रही थी, लेकिन शुरुआत हमारा चंदखुरी से करें माता कौशल्या के मंदिर से उकर जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण करे के और उकर बाद फिर शिवरी नारायण राजिम और अभी रामगढ़ के जिन पहाड़ है जिन गुफा है तेकरो वहां जो निर्माण हुए तेकरो लोकार्पण हुई से, चंपारण में भी कुछ दिन पहले ही कर लोकार्पण हुई और आज सिहावा में आप सब के बीच में उपस्थित हैं। बहुत सुंदर भगवान राम के मूर्ति की स्थापना और साथ ही सातों ऋषि मन के मूर्ति की स्थापना यह हो है, तो पर्यटन ने भी बढ़ावा देना है और साथ ही हमारे जिन प्राचीन धरोहर है, मान्यता है, संस्कृति है, उहुल विकसित करे के काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार हाथ मिले है, तो निरंतर ये काम चला थे। रामायण महोत्सव के बारे में भी चर्चा हुई से और पूरा देश में हमारे सरकार छत्तीसगढ़ सरकार जिन रामायण के महोत्सव कराते, इस साल रायगढ़ में बहुत शानदार एक आयोजन हो रही से, बहुत साथी वगैरह से 1 करोड़ से अधिक आदमी वो लाइक भी करे, आजकल सोशल मीडिया के जमाना है वो मोल देखे, तो हमारे मन के प्रयास ये है अभी जो निर्माण कार्य हो तेकर बारे में मुकुंदपुरा में जो निर्माण हुए 8 करोड़ 29 लाख के तेकर बारे में बहुत विस्तार से ताम्रा ध्वज भैया बता चुके हैं, बारे में और कुछ बताया क्या आवश्यकता नहीं है। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे विधायक जी है कुछ मांग रखे है, अब लक्ष्मी में कहना चाहता हूं एक महीना बांचे हो, एक महीना वो नहीं लगा है, वो आज का तारीख है 11 तारीख, पिछले 5 साल पहले 6 अक्टूबर के आचार संहिता लग गई, हाँ अभी
अभी एको महीने नहीं बाँचे आचार संहिता, अभी काम मांगते छे। अच्छा हिसाब किताब है। तो सबसे बड़े जिन बात है कि आज सियान मन पुरखा मन एक बात कही थे और कहा कि राम राज आ गए, राम राज की कल्पना तो में सब जन ल अवसर मिले, सब जन ल सम्मान मिले, सब ल अधिकार मिले, वो दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर काम कर रहे थे। किसान मन के बारे में आप सब जाना था कि लगातार हमारे प्रयास कि विपरीत परिस्थिति के बाद भी किसान के साथ हमारे छत्तीसगढ़ सरकार खड़े। कोरोना को वैश्विक महामारी है, तबो हमन राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा दे पर कम नहीं करें, साथ ही केंद्र सरकार अंगा लगाई कितने यहां समर्थन मूल्य 1 रुपया भी ज्यादा देवे तो तोर चावल ला नहीं खरीदन। अभी भी वही जुबूता करत, अभी 86 लाख मीट्रिक टन के अनुमति देरी से और अभी 2 दिन पहली चिट्ठी आ गए कि अभी 61 लाख मीट्रिक टन चावल ला खरीद वो, धान ला थमन खरीद थन, लेकिन धान के बाद जिन चावल बनते तेला हमारे राज्य सर में पीडीएस में भी देते और केंद्र सरकार जतका जरूरत पड़ते तेला खरीदते। तो पहले 86 लाख रही से अब वो 61 लाख कर दे। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की व्यवस्था बहुत शानदार के सोसाइटी भी बढ़ाएं, धान संग्रहण केंद्र भी बढ़ाएं और मिलिंग चार्ज भी बढ़ाएं। ओकर फायदा का हुई कि ये साल सोसाइटी मन में कोई धान नहीं बाजे, फड़ मन में कोई धान नहीं बाजे, सब धान उठ गए। तौलाई तो भी झंझट नहीं, धान उठाओ भी कोई परेशानी नहीं, बारदाना भी कोई परेशानी नहीं और 3 दिन के अंदर में भुगतान, एकर से बढ़िया व्यवस्था नहीं हो सके। अब ओकर बाद कहा भारत सरकार बायोमेट्रिक कर, बायोमेट्रिक मतलब ते अब अंगूठा चपक और जब तक वो आंखी मिलाओ अंगूठा चपक तब ते धान बेचबे। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया धान खरीदी की व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में, ओकर बाद नाटक नौटक नहीं काबर तो ते धान खरीद हमारे जिन चावल है ते नहीं खरीदना चाहता ते कर दुनिया भर के नाटक नौटंकी। हम कहें कि जैन भी परिस्थिति हो छत्तीसगढ़ सरकार हर हालत में 20 क्विंटल धान खरीदबो के हर किसान के खरीदबो, ये बात मैं आपके बीच में कहा था। भले मन कत को अड़ंगा लगाए, भले घड़ियाली आंसू बहात रहा है कि हमन किसान के साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े तो 10 क्विंटल 15 क्विंटल के 10 क्विंटल काबर करे, डबल इंजन की सरकार रही तो उसी समय 20 क्विंटल लग कर देते तो वो लत करे नहीं है। तो आज किसान के बात हो, चाहे मजदूर के बात हो, चाहे बेरोजगार मन के बात हो, चाहे गौ माता के बात हो, सबके सेवा निरंतर हमारे सरकार करत है। और नगरी से आवत हमन आते रहन उस दिन प्रशिक्षण शिविर हुई, जम के पानी गिरी, हेलीकॉप्टर लाई है छोड़ के हमन बाई रोड गए और जैसे हम नगरी से आवन लाके 5 किलोमीटर ओपार सूखा सूखा धमतरी में एक बूंद पानी नहीं। तो ऊपर वाले जैसे इच्छा लेकिन पानी ये साल अच्छा गिरा थे और ऊपर वाला कृपा अन्नदाता मन के भी बहुत आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ला। 5 साल बीता थे लेकिन हमारे सरकार में अकाल दुकाल नहीं पड़े, सबसे बड़े हमारे उपलब्धि हम कह सकते हैं कि 5 साल में कोनो प्रकार के अकाल दुकाल नहीं पड़े, कोनो परेशानी नहीं हुए। तो यही भगवान राम से, माता जानकी से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए आप सब बड़े संख्या में हो और अनूप जलोजरा जी भी हम सुनना चाहते बहुत ज्यादा उन्हें कहते हुए आप सब लपणाम करते हुए आप सब के उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अभी जन्माष्टमी मनाएं और हमन सबो जगह सबो शहर मन में कृष्ण कुंज के भी निर्माण, एक तरफ भगवान राम की मूर्ति की स्थापना चलते तो दूसरी तरफ कृष्ण कुंज के निर्माण भी चलते और आजे फिर हर ब्लॉक में मॉडल जैत खाम के भी निर्माण के काम अब शुरू करे के आदेश हमन कर दे, सबो पैसा जाए। आदिवासी क्षेत्र में जहाँ आदिवासी नृत्य महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर करा थे तो जतका भी हमारे देवगुड़ी है पेनगुड़ी उक्रुमन के निर्माण तो हमारे जतका भी पहचान है वो आगे बढ़ाए के काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किए जाते। तो अत के बात कहते हुए जतका का आवेदन देहत अब फिर थे सियावा नगरी की जनता आशीर्वाद दी, छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद दी, फिर मौका मिली तो जतका बाँचे खोचे घोषणा है तो सब ला पूरा करबो। यही बात तक कहते हुए अपन वाणी ली विराम देता हूँ।
धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए सियावर रामचंद्र की, करणेश्वर महादेव की, चित्रोत्पला गंगा की। धन्यवाद। और संगवारी हो,